न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने महादेव की काशी में कदम रखा था तो माँ गंगा के तट पर खड़े होकर मोदी ने यही बात कही थी। आज पीएम मोदी को काशी से सांसद की जिम्मेदारी संभाले हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और इन 8 सालों में काशी ने कितना विकास किया है इसका साक्षात उदाहरण है बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार, जो कभी गलियों के जाल से जकड़ा हुआ था, लेकिन आज मोदी योगी राज में ऐसा भव्य कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है जिसके बाद न सिर्फ बाबा विश्वनाथ गलियों के जाल से आजाद हुए बल्कि अब श्रद्धालु भी माँ गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सीधे मंदिर में पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य कॉरिडोर बनवा दिया, तो वहीं इसी कॉरिडोर में उन बुजुर्गों के लिए भी एक आशियाना बनवाया है जो जीवन के अंतिम पड़ाव में मोक्ष की नगरी काशी में देह त्याग करने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है कि बैद्यनाथ भवन नाम से बने इस आशियाना में रहने वाले बुजुर्ग पीएम मोदी और सीएम योगी को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, भगवान ने इन्हें अच्छे कामों के लिए भेजा है। तीनों लोक में न्यारी काशी को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिसकी भी काशी में मृत्यु होती है बाबा विश्वनाथ उसके कान में तारक मंत्र देते हैं जिससे उन्हें सभी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि जीवन के अंतिम समय में लोग यहाँ आते हैं और अपनी देह का त्याग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम में ही एक मुमुक्षु भवन भी तैयार कराया है जिसका नाम वैद्यनाथ भवन रखा गया था, जिसे आप ओल्ड एज होम भी कह सकते हैं। विश्वनाथ धाम में तैयार हुए इस भवन में 40 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ उनके लिए रोज शिव महापुराण, रामचरितमानस और भजन कीर्तन की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने मुंबई की तारा संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी है। यहाँ रहने के लिए बुजुर्गों को पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर जगह मिलेगी। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में धार्मिक वातावरण के बीच बनाए गए इस ओल्ड एज होम में की गई ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को देखकर बुजुर्ग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। इसी ओल्ड एज होम में रहने आए 89 साल के बुजुर्ग पीपी अग्रवाल ने कहा, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। भगवान ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को अच्छे कामों के लिए भेजा है और वो इसे बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। मैं राजस्थान से, मेरे कोई नहीं है अभी, मैं अकेला हूँ। यहाँ आके आप खुश हैं? बहुत खुश। देखिए ऐसा है, ये इन दोनों को तो बाबा ने भेजा है पृथ्वी में। अभी ये योगी जी को और मोदी जी को बाबा ने भेजा है, बाबा ने भेजा है, उसको जो काम करने के लिए भेजा वो काम उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं, बाबा से पूरी सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी का ये क्षेत्र है और उन्होंने इसका कायाकल्प कर दिया, कायाकल्प कर दिया बिल्कुल। जैसे कोई कायाकल्प कैसे होता है, कायाकल्प होता है जैसे ये काया है ना, इस काया को देखा और आप मुझे 10 दिन बाद में मिले हैं और आप एकदम बदले हुए स्वरूप में जो है, और इस तरीके के कि मैं आपको पहचानने में काफ़ी देर लगाऊं और समझ नहीं पाऊं कि आप वही हैं कि नहीं है। इस प्रकार से सारा जो मैं आया करता था, इतने बार काशी आया, वह काशी तो मुझे दिखी नहीं इस विश्वनाथ परिसर में। इस परिसर का इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, सच मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे तमाम बुजुर्गों के दिल की ये बात बता रही है कि आज वो मोदी सरकार और योगी सरकार के राज में बने इस ओल्ड एज होम में रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं। वैद्यनाथ भवन की खासियत,
वैद्यनाथ भवन में ठहरने वाले बुजुर्गों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए खाने में शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। देखरेख के लिए नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर सेवादार होंगे। बुजुर्गों के परिजन उनके साथ वैद्यनाथ भवन में नहीं ठहर सकेंगे। वैद्यनाथ भवन में ठहरने वाले बुजुर्गों की उम्र 65 साल से ऊपर होनी चाहिए। बुजुर्गों की मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी। कोई पारिवारिक विवाद भी न हो। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही यहाँ रहने की अनुमति मिलेगी। दवा और पूजा पाठ की सामग्री रखने की अलग से व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ धाम में बने इस ओल्ड एज होम यानी वैद्यनाथ धाम से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप काशी विश्वनाथ धाम की आधिकारिक वेबसाइट www.shrikashiviswanath.org से ले सकते हैं। आपको बता दें, काशी में पहले से 2 मुमुक्षु भवन हैं। 80 इलाके में स्थित मुमुक्षु भवन में मोक्ष की कामना के साथ आने वालों के अलावा बुजुर्ग भी रहते हैं। वहीं गोदौलिया इलाके में स्थित काशी लाभ मुक्ति भवन में मोक्षार्थी को महज 15 दिन के लिए कमरा दिया जाता है। 15 दिन का समय बीतने के बाद अगर मोक्षार्थी की तबीयत में सुधार आ जाता है तो उसे वापस लौटा दिया जाता है। अगर मोक्षार्थी की तबीयत नाजुक बनी रहती है तो 15 दिन का अलग से समय दिया जाता है। बहरहाल, काशी विश्वनाथ धाम में वैद्यनाथ भवन बनवाने वाली मोदी सरकार को जिस तरह से तमाम बुजुर्ग आज आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ पर एक गेस्ट जो भी जो इस मुमुक्षु भवन में जो भी ठहरेंगे बुजुर्ग, उनके रिश्तेदार कोई भी मिलने आते हैं तो उनको की व्यवस्था यही है, आकर बैठे उनसे बात करें। और सुबह के लिए जो टीवी लगाई गई है तो उसमें बुजुर्ग सुबह 5 बजे 6 बजे आकर जो भी टीवी में एक्सरसाइज करना है, भजन करना है, भजन कीर्तन करना है, वो आकर कर सकते हैं। और इस साइड पर डाइनिंग हॉल लगेगा, खाना उनके लिए तैयार किया जाएगा, वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं 5-10-15 मिनट। उसके बाद वो अपने बेड पर सेकंड फ्लोर पर जा सकते। नीचे तल पे देखा जाए तो यहाँ पर पेंट्री होगी जिसमें किचन का जो सारा सामान होगा वो रहेगा, और बाथरूम और टॉयलेट की जो पूरी व्यवस्था यहीं पर रहेगी। जो जैसे खाते हुए जो खाना खाने आए अपने हाथ धोने के लिए, अगर जैसे टॉयलेट करने के लिए, सारी व्यवस्थाएँ नीचे की जाएगी। खाना बनाने के लिए 2 लेडीज़ यहाँ पर रखी जाएगी, जो एक कुकिंग हाँ रखी गई है, और कुकिंग करने के लिए और उसका एक हेल्पर करने के लिए दोनों महिला यहाँ पर काम कर रही है।